और कोई डाउट है? सर ऑब्जेक्टिव का थर्टींथ वाला, धीरे ऑब्जेक्टिव का 13, मोड ऑफ एफ एक्स पी इक्वल टू मोड ए इनटू, धीरे हाँ जी टेंथ एंड इलेवेंथ, ठीक है सारे पूछ लो तुम लोग। ए प्लस बी का जो मॉड है वो ए के बराबर है और बी के भी बराबर है, मतलब ए और बी को जोड़ने पे, मतलब ये दोनों तो बराबर हैं ही, तो इनका जो रिजल्टेंट आता है वो भी इनके बराबर आता है, तो ये एक्चुअली क्या होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी ना ये, ए और बी के बीच में एंगल बताना है अपने को, तो हेड टू टेल जोड़ना पड़ेगा, ये एंगल 60 है, ए को शिफ्ट करके इसके टेल पे रख दो तो ये एंगल कितना होगा, 120 होगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। टेंथ वाला क्या है, ए कार इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड ड्यू नॉर्थ विद द स्पीड ऑफ 50, पहले कार जो है वो नॉर्थ में जा रही थी, किससे, 50 से, जिसको जे के बोल देता हूँ इसको आई के बोल देता हूँ, राइट? हाँ सर। बाद में कार जो है वो टर्न होगी लेफ्ट में, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 50 माइनस आई कैप, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 50 जे कैप, अरे हाँ या ना, 50 जे कैप। हाँ सर। चेंज इन वेलोसिटी बतानी है अपने को, तो चेंज इन वेलोसिटी इज़ वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट? हाँ सर। आएगा माइनस का 50 आई कैप, माइनस 50 आई कैप, माइनस 50 जे कैप, माइनस 50 बाहर आ गया, आई कैप प्लस जे कैप। हाँ सर। मैग्नीट्यूड बताना है, तो आई कैप प्लस जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, और चेंज की डायरेक्शन किधर होगी, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करोगे, तो वी फाइनल है इधर, वी फाइनल है इधर, और इसमें से वी इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो वी इनिशियल को अपोजिट करके जोड़ेंगे, सही बात है गलत बात? हाँ सर। तो ये आएगा, तो ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट साउथ, 50√2 आएगा ये। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। हाँ सर। और कोई डाउट है? ये टेंथ वाला हो गया, ग्यारहवां क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट माइट बी कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग द कार टू द रिटर्निंग पोजीशन। ओके देखो भाई, अपन चार वेक्टर को अगर जोड़ते हैं तो रिटर्निंग पोजीशन पे आने के लिए सारे डिस्प्लेसमेंट का नेट सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, सही बात है गलत बात? पहले ऐसे चले फिर ऐसे चले फिर ऐसे चले, चार वेक्टर का नेट सम जीरो होना चाहिए ना, तभी तो रिटर्निंग पे आएगा। हाँ सर। राइट, नल वेक्टर होना चाहिए, मतलब जो तीन सबसे छोटे वेक्टर हैं उनका सम चौथे वेक्टर के मतलब चौथे वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, तीनों का सम का मैग्नीट्यूड, सही बात है गलत बात? सर बराबर या ज्यादा ना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वैसे तीन वेक्टर का सम जो है वो चौथे वेक्टर के नेगेटिव के बराबर होना चाहिए, ये तो बोल सकता हूँ, अरे हाँ सर। तब मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड तो माइनस टी का वही होता है जो प्लस टी का होता है, राइट? तो ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी का सम जो है वो डी के बराबर होना चाहिए, तो ए प्लस बी प्लस सी का मैक्सिमम सम अगर डी के बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू अगर डी के बराबर है तो रिटर्निंग पोजिशन पे आ जाएगा, लेकिन अगर ए प्लस बी प्लस सी का मैक्सिमम वैल्यू ही डी से कम है तो रिटर्निंग पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, सही बात है गलत बात? ए प्लस बी प्लस सी तीनों को मैक्सिमम कैसे कर सकते हो कि आप डायरेक्ट चले गए ए बी और सी, ए प्लस तीनों को सेम ले ले, सेम डायरेक्शन में जोड़ दिया, और अगर ये डी के बराबर है तो वापस डी वाला डिस्प्लेसमेंट कवर करके वापस रिटर्निंग पोजीशन पे आ जाएगा, सही बात है गलत बात? लेकिन अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू डी से बड़ा है, सॉरी डी से छोटा है, मैक्सिमम वैल्यू ही डी से छोटा है तो डी क्या होगा, डी से बड़ा होगा,
तो रिटर्निंग पोजीशन से भी वापस आगे चला जाएगा, सही बात है गलत बात? अरे हाँ सर, तो यहाँ पे नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन अगर इनका मैक्सिमम वैल्यू डी से बड़ा है तो सर तो डी पहले ही रह जाएगा ना, पहुंचेगा नहीं। लेकिन तो आपने को जरूरी थोड़ी है इनको मैक्सिमम में जोड़ना है क्या? जैसे इनका मैक्सिमम वैल्यू डी से बड़ा है, राइट? डी से बड़ा है तो पहुंचेगा नहीं। तो आप एक काम करो ना, किसी एक को टेढ़ा कर दो, ऐसे लो, अब तो पहुंच जाएगा। इसको थोड़ा ऐसे फोल्ड कर दो, तो मैक्सिमम वैल्यू डी से बड़ा है तो चलेगा, इक्वल है चलेगा, लेकिन लेस लेस नहीं होना चाहिए। सही बात है गलत बात? ये नहीं होगा। अरे हाँ या ना, तो हाँ तीन वाले, अब आपको सेट दे रखा है। सेट क्या दे रखा है? सबसे पहले 5, 10, 30 and 45। तो तीन सबसे छोटे वालों का सम डी से छोटा नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्या छोटा है, क्या लास्ट वाला कितना है? 50 है ना, चौथा वाला 50 भी है ना, 5, 10, 30 and 50। हाँ, तो इनका सम देखिए 45 लेस देन 50 है। इनका मैक्सिमम सम 50 से कम है, मतलब ये रिटर्निंग पोजीशन पे नहीं आएगा। सही बात है गलत बात? हाँ सर। अगला क्या है? 5, 9, 9, 16। इनका मैक्सिमम सम कितना हो गया? 23। रिटर्निंग पोजीशन पे आ सकता है ना, ये वाला केस हो गया। लास्ट थर्ड वाला क्या है? 40, 90, 40, 40, 90 है ना? हाँ सर। और सबसे बड़ा वाला क्या? 200। इनका देखिए कितना आएगा? 170। छोटा रह गया तो नहीं आएगा। हाँ सर, नहीं आएगा। कर लेंगे, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। और कोई डाउट है? सीडी कौन से वाला? यही पूछ रहे हो ना? सेवनटीन का स्टेटमेंट बोलो भाई। वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली डाउनवर्ड एंड बी पॉइंट्स टुवर्ड ईस्ट, देन द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज। भाई अपने हाथ को नीचे कर धरती की ओर, ठीक है ना? अपने राइट हैंड को ऐसे अर्थ की ओर कर ले, नीचे की ओर, और उंगलियों को ईस्ट की ओर टर्न कर। अंगूठी की डायरेक्शन देखना किधर आ रही है, राइट हैंड थंब रूल है ना भाई? ये तो एक प्लेन है ऐसे, समझ में आ रही है बात? इसमें ये डायरेक्शन है ईस्ट, ये डायरेक्शन है नॉर्थ, ये डायरेक्शन है वेस्ट, ये डायरेक्शन है साउथ। सही बात गलत बात? तो तेरा एक वेक्टर है जो वर्टिकली डाउनवर्ड है नीचे की ओर, और दूसरा वेक्टर जो है वो ईस्ट की तरफ है। अरे हाँ है ना, अब तो ऐसे इसको इसके अलोंग अगर राइट हैंड को टर्न करेगा, अंगूठी डायरेक्शन से साउथ की ओर नहीं आएगी क्या? एक रोस भी आएगा ना ये? हाँ सर। फिर क्या डाउट है इसमें? समझा। और कोई डाउट है? नहीं है सर डाउट। चलिए लास्ट क्लास में कहां तक पढ़ाया था ये बता दीजिए।
सर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के तीनों फॉर्मूला दिए थे, एक्चुअली पांच फॉर्मूला दिए थे। तो क्वेश्चन करवाया था उसपे कोई? हाँ सर, एक एग्जांपल दिया था उसपे। क्या एग्जांपल दिया था? सर पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसमें फाइंड करना था वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड और डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 5 सेकंड, ये सब। सर हम साइन कन्वेंशन कर रहे थे। हाँ जी सर, हमारा साइन कन्वेंशन ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। साइन कन्वेंशन हो गया था ना? एक पार्टिकल को आपने इनिशियल वेलोसिटी देते हो, वो इस लाइन के अलोंग जाता है, यू देते हो आप 20 मीटर पर सेकंड, और इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट है राइट? हाँ सर। इनिशियल सिचुएशन इज शोन, at t equal to 0 is shown, fine, first part, time after which it stops, displacement covered by it, it stops, displacement covered by it, till it stops. Its displacement and distance. T equal to 8 and t equal to 12. Displacement. Sir, वो second क्या लिखा है second form? Displacement, distance and the velocity. हाँ बोलिए बेटा, क्या पूछ रहे हो? सर वो जो आपने सेकंड लिखा है ना ढूंढने का, वो क्या लिखा है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर टिल इट स्टॉप्स,
सर हाँ बेटा बोलिए सर फर्स्ट और सेकंड में कैसे ढूंढेंगे टाइम आफ्टर व्हिच इट स्टॉप्स क्यों स्टॉप होगा पहले ये बताओ हाँ सर क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन सर v = u + at लगा सकते हैं क्या हाँ लगा सकते हो ना फैंटास्टिक कांस्टेंट एक्सेलरेशन अपन डाल सकते हैं वो इक्वेशन देखिए एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी को कम करेगा और ये एक्चुअली क्या दे रखा है ये दे रखा है कि 2 मीटर पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी कम कर देगा 2 मीटर पर सेकंड सही बात है गलत बात तो अगली सेकंड बाद 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी रह जाएगी 2 से कम कर देगा 18 रह जाएगी 18. उसकी अगली देर बाद 16 रह जाएगी तो 0 आने में कितना टाइम लगेगा सर 10 सेकंड बस डायरेक्ट हो गया बिना फॉर्मूला लगाए आया ना हाँ सर ये एक्चुअली बस आप लॉजिक समझो ना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का चेंज है ये और चेंज क्या है नेगेटिव चेंज है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है मतलब वेलोसिटी कम कर रहा है हर एक सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड से कम कर रहा है तो 20 से 0 करने में कितना टाइम लगेगा 10 सेकंड लगेगा आप फॉर्मूले से करना हो फॉर्मूले से करो देखिए v = u + at राइट हाँ सर तो -20/2 आ जाएगा v माइनस यू बाय ए तो इसमें आपको एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है जैसे कल बताया था ना कि कोई एक डायरेक्शन के वेक्टर को पॉजिटिव ले लो बाकी डायरेक्शन के वेक्टर को नेगेटिव ले लो ठीक है कोई भी एक चूज कर लो आप तो फाइनली वेलोसिटी तो 0 होनी है इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20 20 राइट डायरेक्शन में है 20 राइट डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लिया इसको प्लस लिखना है एक्सेलेरेशन कौन सी डायरेक्शन है लेफ्ट डायरेक्शन और उस डायरेक्शन के सारे वेक्टर को क्या लेना है नेगेटिव माइनस तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आया ना हाँ सर कोई डाउट है नहीं सर नहीं सर नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड टिल इट स्टॉप्स सर इसमें तो s = ut + half at square लगा सकते हैं सीधा टाइम आ गया अपने पास लगा सकते हो या फिर v square = u square + 2as भी लगा सकते हो चलो टाइम आपने निकाल लिया भाई सर vt - half at square भी लगा सकते हैं ना सुनो सुनो आपने टाइम निकाल लिया राइट आपने टाइम निकाल लिया इसलिए टाइम आपको पता है अगर डायरेक्ट यही क्वेश्चन आता तो पहले फिर टाइम निकालते हाँ, फिर वो वाला निकालते ना v² वाला इक्वेशन लगाते ना v² = u² + 2as क्योंकि इसमें टाइम का कोई यूज नहीं है हां सर तो फाइनल वेलोसिटी 0 इनिशियल वेलोसिटी कितनी 20 a कितना -2 s -2 कितना आएगा ये v² का स्क्वायर होगा यार 400 हो जाएगा ना वो 400 / 4 कितना आएगा 100 में समझ में आ रही है बात तो ये यहाँ तक कितना चल रहा है हाँ सर 100 मीटर चल 100 मीटर 100 मीटर चलेगा ये डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर हाँ सर समझ में आ रही है बात आगे देखिए अब यहाँ पे ये रुक गया तो क्या यहाँ पे ये रुका ही रहेगा सर फिर नहीं सर फिर वापस दिखना नहीं लगेगा ना 11 सेकंड में फिर दिखना नहीं आएगा 10 सेकंड के बाद से एक्सेलेरेशन ने अपना काम नहीं रोका है वो वेलोसिटी को चेंज करता रहेगा सही बात है गलत बात वो कांस्टेंट है हाँ सर वेलोसिटी जीरो हो गई तो फिर से ये चेंज करेगा अब ये इधर की ओर खींचेगा इसको उल्टा सही बात है गलत बात यस सर अगली 1 सेकंड बाद अगली 1 सेकंड बाद इसकी 0 से बढ़ के कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी 2 अब एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आया ना हाँ सर कितना हो गया t = 11 राइट 12 यस सर
समझ में आया मेरी बात? सर 12 पे माइनस 4 मीटर पर सेकंड लिखेंगे ना. तो स्पीड तो आ गई t इक्वल टू 12 पे. हां बोलिए सर. ये t इक्वल टू 11 2 था तो t इक्वल टू 12 में 4 कैसे आया? क्योंकि एक सेकंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो जाती है, 2 से चेंज हो जाती है, मतलब 0 से 0 से 2 होगी और फिर 2 से फिर 2 हो गई, 2 और चेंज हो गई तो 4 होगी ना फाइनल. यस सर समझा. तो इसको मैं थोड़ा सा ढंग से बना देता हूं. तो सर ये वापस रिटर्न कर रहा है, तो इसको रिटर्न करने वाली लाइन मैं नीचे बना रहा हूं, ठीक है ना. वैसे तो उसी लाइन के अलोंग रिटर्न करेगा लेकिन अलग अलग पढ़ने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना. रिटर्न यहाँ पे करता है तो t इक्वल टू 11 पे सर इसका वैल्यू क्या है? t इक्वल टू 11 पे यहाँ पे आया और इसकी वेलोसिटी होगी 2 मीटर पर सेकंड. क्या बोल रहा है बेटा? t इक्वल टू 12 पे यहाँ पे आया और इसकी वेलोसिटी होगी 4 मीटर पर सेकंड, राइट? Yes. इसका डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है ना. वेक्टर फॉर्म अपने आप सॉल्व करके दे देता है कि वापस रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है. फाइनल वेलोसिटी निकालनी है अपने को, तो v वेक्टर अपने को निकालना है. u वेक्टर कितना था? 20 था. a कितना है? 20 a माइनस 2 है. माइनस 2 इनटू टाइम कितना है? 12 से माइनस 4 हो जाएगा. माइनस 4 माइनस 4 आ गया. माइनस अपोजिट डायरेक्शन सर. कई बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि सर ये तो आगे जाके रिटर्न आया है तो यहाँ से सोल्व करेंगे ना. अरे यहाँ से कर लो चाहे, फिर भी वही आंसर आएगा, ठीक है. आप शुरू से भी कर सकते हो. ये वेक्टर फॉर्म है. वेक्टर अपने आप एड सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपोजिट डायरेक्शन वाले. सही बात है, गलत बात? सही बात है. इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी. यहाँ से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ सर वही बात है. हाँ सर बट अपन तो ये मान रहे हैं कि इससे पहले वाले पार्ट अपने को नहीं दिए होते, अपने डायरेक्ट यही सोल्व करना है तो अपन सीधा यही लगाएंगे ना. हाँ सर. चलिए अब t इक्वल टू 12 तक का डिस्प्लेसमेंट देखना. डिस्प्लेसमेंट क्या होगा t इक्वल टू 12 तक का? सर सर ये तो हम लोगों को इनिशियल पॉइंट से देखना पड़ेगा ना. हाँ डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से देखना पड़ेगा. तो गिवन इनिशियल पॉइंट होता है ना, उसी से डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है. t equal to 12 तक का displacement होगा ये वाला, right? हाँ सर. हाँ सर. कितना आएगा? सर पहले s जो यहाँ का था 10 seconds का उसको निकाल लेंगे और फिर s जो इतना करने की ज़रूरत नहीं है. वेक्टर फॉर्म डायरेक्ट लगाओ, अपने आप जोड़ घटा कर देगा ये. अच्छा. समझ में आ रही है बात? हाँ सर. U क्या है? U 20 है. कितनी देर का? T 12 है. एक्सेलरेशन कितना है? एक्सेलरेशन माइनस 2 है. कितनी देर का? 12 स्क्वायर है. कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? सर 96 आ गया ना. 100 से कम आया ना. तुम पहले 100 निकालते फिर उसमें से वो सब्ट्रैक्ट करते. समझ में आ रही है? इसमें ना वेक्टर में अब आप सोचोगे सर ये कैसे हो गया चमत्कार, इसने डायरेक्ट कैसे निकाल दिया. अपन ने वेक्टर इक्वेशन लगाते हैं ना तो हम ये बात बता देते हैं. देखो भैया पहला हमारा आगे जा रहा था और एक्सेलरेशन पीछे था, इसने सब कैलकुलेशन कर लिया उस चीज में. हां आ रही है बात? हां सर समझो. t इक्वल टू 8 तक का करो. t इक्वल टू 8 तक का सारा कांड सेम चीज है. t इक्वल टू 8 सर सेम ही आ रहा है.
इक्वल टू एड के लिए वेलोसिटी भी कितना आएगा, माइनस फोर आएगा क्या? सर पॉजिटिव फोर आएगा ना, हाँ टी इक्वल टू एट पे उस टाइम पे तो उधर ही जा रहा था, पॉजिटिव फोर आएगा, यहाँ पे प्लस एट लोगे ना तो 12 माइनस सिक्स ट्वेंटी माइनस सिक्सटीन तो माइनस सिक्सटीन फोर आएगा, तो ये वेलोसिटी प्लस का फोर आएगा राइट। और और डिस्प्लेसमेंट आएगा आपका 96 ही आएगा, यहाँ पे टी की जगह ना 12 की जगह 8 ले लेना, वो 96 ही आएगा ठीक है। और वो सारी चीजें हो गई, तो यहाँ पे देखिए जब 96 डिस्प्लेसमेंट आपका, तो यहाँ पे जाते टाइम टी इक्वल टू 8 आया होगा ना, क्योंकि टी इक्वल टू 10 पे तो रुक ही गया था वो आगे जाते जाते, तो जाते टाइम इसकी वेलोसिटी यहाँ पे 4 थी। तो जब इस पोजिशन पे पहुंचा, ये जाते टाइम पहुंचा चाहे आते टाइम पहुंचा, जाते टाइम पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी 4 थी, आते टाइम पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी 4 है, सही बात है गलत बात? हां सर आया ना। और जाने जाते टाइम इसको यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, 8 से लेके 10 तक 2 सेकंड लगे सर, 2 सेकंड लगे सर, यहां से 2 सेकंड, 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड 2 सेकंड। तो जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो उसकी सेम लेवल पे जाने की स्पीड और आने की स्पीड सेम होती है, समझ में आ रही है बात? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। और जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही आने में लगेगा, मतलब जाने का मोशन और आने का मोशन एक दूसरे के सिमेट्रिक होते हैं, और कोई दिक्कत नहीं है, बस वो जाने का है वो आने का, बस इतना ही फर्क होता है, सही बात है गलत बात? यही 2 मीटर पर सेकंड है, यही एक्सेलरेशन है जो पहले वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा था, 4 से इसने किया 2 से फिर किया 0, आते टाइम इसी ने वापस क्या कर दिया 1 सेकंड में 2 से फिर कर दिया 4, सही बात है गलत बात? हाँ सर, हाँ सर। जाते टाइम इसने यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्प्लेसमेंट चला था, यहाँ से यहाँ तक कितना चला था 4, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना चला 4, समझ में आ रही है बात? 4, हाँ सर। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक नोट डाल के पॉइंट लिख लेंगे। Then in rectilinear motion. When acceleration is constant and opposite to the initial velocity, then at the same level, the same position of motion, speed of the particle is same. समझ में आ रही है बात? हाँ सर, speeds of the particle are speed of the particle, जो भी है यार अंग्रेजी है मेरे को इतना पता नहीं है, स्पीड आना चाहिए स्पीड आनी चाहिए, आप लोग देख रहे हैं ना ठीक है। ए मैक्सिमम पॉइंट से फिर मैक्सिमम पॉइंट से एक्स तक आने का सेम टाइम लगेगा, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जाने का मोशन और आने का मोशन सिमेट्रिक होंगे, सही बात है गलत बात? हाँ सर, हाँ सर, आने का मोशन सिमेट्रिक होंगे, सही बात है गलत बात? हाँ सर। किसी बच्चे को तकलीफ है इसमें? नहीं सर, नहीं सर। यहाँ पे मैं इसको छोटा सा रूप देके बना देता हूँ इस नोट को, एक पार्टिकल है जो यहाँ से जा रहा था, तो कोई भी सेम लेवल मैंने ड्रॉ कर लिया, इस पे जाने का जो टाइम वेलोसिटी है वी है, आने का वेलोसिटी भी वी होगा, सही बात है गलत बात? यहाँ से यहाँ अगर इसको डेल्टा टी टाइम लगा है, तो यहाँ से यहाँ आने में भी इसको डेल्टा टी टाइम लगेगा, सही बात है गलत बात? और इस दौरान अगर ये डिस्प्लेसमेंट, यस सर, डिस्प्लेसमेंट कवर इसका एक्स है,
ये डिस्प्लेसमेंट का और भी x होगा, सही बात है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, राइट। तो हम ये कह सकते हैं yes. कि जब वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचेगा तो उसकी स्पीड सेम होगी जो जाने की थी, क्योंकि सेम लेवल पे माइनस u, सेम लेवल पे सेम स्पीड है, सही बात है। और हम ये भी कह सकते हैं जाते टाइम जितना टाइम लगा उतना ही टाइम आपके टाइम लगेगा, सही बात है। हाँ सर, हाँ सर, जाते टाइम जो डिस्प्लेसमेंट था वही डिस्प्लेसमेंट आपके टाइम होगा, राइट। हाँ सर, हाँ सर। तकलीफ है बेटा किसी को? नहीं सर। आगे चलूं सर? तो ओरिजिनल पॉइंट से दूसरे पॉइंट से फिर वापस ओरिजिनल पॉइंट में आने में 2t टाइम लगेगा। हाँ, जाने में जो अगर t टाइम लगा था तो वापस ओरिजिनल पे आने पे भी t टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम 2t हो जाएगा। अगर ये t इक्वल टू 0 था, यहाँ पे t इक्वल टू t है, तो यहाँ पे t इक्वल टू 2t होगा, राइट। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। सभी बच्चों को ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर ये पूछ लेता पीछे वाले क्वेश्चन में कि फाइंड डिस्टेंस टिल t इक्वल टू 12, सर 200 डिस्टेंस कितनी होती सर? 114। हाँ सर, 104। क्यों, जाने का कितना लगा? डिस्टेंस में तो पाथ लेंथ आती ना आपकी पूरी। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। सबसे पहले 100 मीटर ट्रेवल हुआ, वो 100, और फिर वापस आया, और फिर वापस से 4 हुआ, तो 4, क्योंकि इधर से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट 96 है, सही बात है। हाँ सर, 96 है सर। तो डिस्टेंस आपकी कितनी होती? 104 होती, लेंथ ऑफ पाथ होती है। अच्छा, आपसे अगर उसमें ये पूछ लिया जाता एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड टिल t इक्वल टू 12, तो 104 डिवाइडेड बाय 12 होगा। हाँ, एंड एवरेज वेलोसिटी सर? 96 डिवाइडेड बाय 12, सही बात है। एवरेज स्पीड हो जाता आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड इज यहाँ पे ऐसे पार्ट बना के लिखा है, इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन फाइंड डिस्टेंस, पहला पार्ट फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल टिल t इक्वल टू 12 सेकंड, राइट। सेकंड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी टिल t इक्वल टू 12 सेकंड, राइट। एवरेज स्पीड होगी हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, 8 मीटर पर सेकंड, और एवरेज वेलोसिटी हो जाती 96 बाय 12। यस सर, कितना आता है ये? 12 8 96 होता है, ये 8 कैसे हो गया यार? हाँ सर, 96 और 12 8 होता है ना सर? हाँ, ये हो गया, और ये कितना हो गया? 104 बाय 12 सर, 8.6 सर। हाँ सर, 8.6 एवरेज स्पीड 8.6 मीटर पर सेकंड है, एवरेज वेलोसिटी जो है आपकी 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। तकलीफ है क्या आप लोगों को? नहीं सर, नहीं सर, मैं समझ में आया। आगे चलें? हाँ सर, हाँ सर, यस सर। नेक्स्ट देखते हैं अभी अपन, मोशन अंडर ग्रेविटी। सर, जिसे फ्री फॉल भी कहते हैं। क्या कह रहे हो? सर, जिसे फ्री फॉल भी कहते हैं। अरे वो कुछ जरूरी नहीं है, हाँ फ्री फॉल कहते हैं, फ्री फॉल कहते हैं।
a particle is dropped from the top of a building of height x. ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए. A particle is dropped from top of a building of height h. Find the speed with which it reaches to ground. Time after which it reaches to ground. ठीक है, सर पहले वाले का आंसर रूट ओवर ऑफ 2gh है. हेलो. हाँ बेटा बोलिए. सर पहले वाले का आंसर रूट 2gh है. हाँ रूट 2gh इज राइट आंसर. सर सेकंड वाला रूट टू एच है क्या? चलो देखते हैं कि जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी. सर जीरो. तो आप हमारे पास ग्राउंड वेलोसिटी जीरो है. तो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इसमें v square is equal to u square plus 2as ये लगाएंगे ना? हाँ सर. इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ए की जगह जी आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट की जगह एच आ जाएगा. अब मैंने नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है यहां सर, ऊपर को नेगेटिव लिया, इसलिए जी को पॉजिटिव लिया, एच को पॉजिटिव लिया. हां बोलिए बेटा. सर सेकंड वाले का आंसर रूट ओवर ऑफ 2g / h आ रहा है. सॉरी 2h / g आ रहा है सर. 2h / g सुन लो, मैच कर लेना. ठीक है, तो अगर आप ड्रॉप करते हो कोई पार्टिकल को, अगर वो एच हाइट से गिरता है तो उसकी वेलोसिटी रूट टू जी एच हो जाती है. समझ में आ रही है बात? हाँ सर. तो किस कितने टाइम में आया? तो v इज इक्वल टू u प्लस at, ये भी लगा सकता हूँ, या फिर यहाँ पे ऐसे भी लगा सकता हूँ कि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, डिस्प्लेसमेंट h हो गया, आप g into t square, right? तो t की वैल्यू किसके बराबर होगी? 2h by g. हाँ सर. सर root over of 2h by g. हाँ. तो वेलोसिटी होती है root 2h into g और टाइम होता है under root of 2h upon g. समझ में आ रही है बात? हाँ सर. हाँ सर. तकलीफ है बेटा किसी को? तो मैं सेम अगर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि बताओ
पार्टिकल को एच हाइट पे फेंकने के लिए कि वो एच हाइट तक चला जाए कितनी वेलोसिटी दूं कि कम से कम वो एच हाइट तक चला जाए, बताइए। पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दूं कि कम से कम वो एच हाइट तक चला जाए, तो यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जाएगा एक्सेलरेशन नीचे है ना, वेलोसिटी कम होगी और फिर वापस क्या आएगा, वापस नीचे की ओर आएगा, सही बात है गौतम? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। जाने और आने का मौसम सेम होगा, जाने और आने का मौसम सेम होगा, और जो आने का मौसम है ना केवल उसको ऑब्जर्व करो कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है उसकी और वो एच साइड से गिर रहा है, सही बात है गलत बात? तो क्या यही चीज नहीं है वो? इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वो एच साइड से गिर रहा है, तो आने के मोशन के टाइम पे उसकी वेलोसिटी रूट टू जी एच होती है, तो सेम लेवल पे सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, तो जाते जाने के लिए भी आपको कम से कम कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? तो रूट टू जी एच। और आने में अगर उसको टाइम लगता है अंडर रूट ऑफ टू एच बाई जी, तो जाने में भी कितना लगेगा? उतना ही लगेगा। जब वो ग्राउंड से 3h by 4 पे होगा तब उसकी स्पीड कितनी होगी? Let us suppose यहाँ पे आता है 3h by 4, तो ये ऊपर कितनी रह जाएगी? 1/4h ऊपर रह जाएगी h by 4, है ना? हाँ सर, हाँ सर। तो एक चीज देखिए, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लगा रहा, देखिए। आप नीचे से h height तक पहुंचाना था आपको, तो आपने कितनी वेलोसिटी दी? अब एक हिसाब से ये मान लो कि यहाँ से अपने को कितनी हाइट तक पहुंचाना है, h/4 तक, तो यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? सर रूट टू जी एच बाय फोर, रूट टू जी एच बाय फोर है ना, तो यहाँ की वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ जी एच बाय टू, सही बात है गलत बात? हाँ सर, भावनाओं को समझ रहे हो तुम लोग? जब आपको एच हाइट तक पहुंचाना था तो आपने कितनी वेलोसिटी दी थी? रूट टू जी एच। कोई चीज को अगर रूट टू जी एच वेलोसिटी दोगे तो एच हाइट तक जाएगा, तो यहाँ से इस पार्टिकल को कितनी हाइट तक जाना था? एच बाय फोर तक, सही बात है? तो यहाँ पे इसके पास कम से कम कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए? रूट टू जी एच बाई फोर, सही बात है गलत बात? तभी वो एच बाई फोर पे जा पाएगा। अरे हाँ है ना, नहीं समझे क्या बेटा? चलो आप इसको फॉर्मूला से कर लो कि हमें 3h बाई फोर पे वेलोसिटी निकालनी है, नीचे से u वेलोसिटी दी है, v square is equal to u square plus 2as, right? आपने u velocity दी और acceleration minus g है, displacement ऊपर की ओर 3h by 4 है, आया ना? Okay. u की value कितनी है? u square है 2gh, 2gh minus 3gh by 4, 3gh by 2, अरे आया ना, ये 2 से 4 पे चला गया, कितना आया ये? हाँ सर, बात यह कि फॉर्मूला लगाओगे तो इतना टाइम लगेगा सॉल्व करने में, एग्जाम में हमें टाइम बचाना है, इसलिए मैंने डायरेक्ट बताया, ठीक है बेटा? हाँ सर, सर लेकिन हमने इसमें फाइंड क्या किया? क्या फाइंड क्या किया? स्पीड फाइंड की, 3h/4 पे स्पीड, ओके, हां 3h by 4 पे यही तो क्वेश्चन था ना कि स्पीड व्हेन इट इज एट 3h by 4 तो रूट gh by 2 ये स्पीड होगी,
यही जाने की होगी और यही आने की होगी, सेम लेवल पे सेम स्पीड होती है। आया ना? दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। हाँ सर, नहीं समझा सर अभी। वो जो एक बच्ची को नहीं समझ में आया, तेरे को आया बेटा समझ में? हाँ सर समझ गया। आगे चलो। एक सेकंड सर, कॉपी कर। हाँ कॉपी कर लो। अच्छा सर, अगर एक्सेलरेशन जो नीचे जो ग्रेविटी लग रही है उसको हम लोग जी लेंगे कि माइनस जी लेंगे? वो तो आपने डायरेक्शन कौन सी ली है वो देखोगे ना, कौन सी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। अब यहाँ पे मैंने नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था तो माइनस जी ले लिया, और थोड़ी देर पहले नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था तो प्लस जी ले लिया। हाँ वही सर, तो मतलब यहाँ पे आपने नेगेटिव लिया था ना नीचे वाले डायरेक्शन। वो तो बात ये है ना कि आप डायरेक्शन किसको पॉजिटिव ले रहे हो। आप 3h / 4 को पॉजिटिव लिया क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा था डिस्प्लेसमेंट। आया ना? हाँ सर। ऊपर को पॉजिटिव लिया, नीचे को नेगेटिव लिया। ओके सर। अभी दिख रहा होगा सभी को ना। छाप लिया भाई? एक मिनट सर। हो गया सर। तो ये हो गया। अभी आपसे एक क्वेश्चन और है। A particle is thrown upward with the velocity of 10 meter per second. And the height of building is 80 meter. Top of building se thrown upward, theek hai na? Find time after which it reaches to ground. Speed with which it reaches to ground. सर वो बिल्डिंग का हाइट क्या है जी? सर वो 80 मीटर से लिखा है ना? हाँ 80। एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से पार्टिकल को ऊपर थ्रो किया गया टी इक्वल टू जीरो। ये बिल्डिंग है 80 मीटर जिसकी हाइट है 80 मीटर एंड पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सी। ठीक है बेटा, तो फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट रीचेस टू ग्राउंड, स्पीड विद विच इट रीचेस टू ग्राउंड, इट्स एवरेज वेलोसिटी। व्हेन इट रीचेस टू ग्राउंड distance covered
इनफिनिट रेसिस कर रहा हूँ, ठीक है। प्रो भाई सॉल्व करो, हेलो सर, हो गया बेटा, कह रहा है कि टाइम आफ्टर विजिट रीचेस टू ग्राउंड, ये सॉल्व करता हूँ। तो ये कैसे मूव करेगा, ये मूव करेगा, पहले ऊपर जाएगा ये और फिर नीचे आएगा, राइट? यस सर। तो एक बात तो मेरी यहां से स्पष्ट है कि इसके ऊपर वाला मोशन जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था वही वाला मोशन है, सही बात है गलत बात? ये पढ़ा था ना अपन यहाँ वाला ऊपर जाके नीचे आने वाला, सेम वही मोशन है, बस इसमें ग्राउंड से नहीं है, इस लेवल से है बस। तो जिस वेलोसिटी से गया था इसी यहाँ पे तो वही वेलोसिटी होगी, सही बात है गलत बात? सेम लेवल। हाँ सर, हाँ सर। चलो कह रही है तो मैंने ऐसे ही बता दिया, इसका कोई यूज नहीं है। फाइनली अपने को यहां तक का टाइम बताना, तो ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। एक दिक्कत ये है कि पहले आप जाके आने का टाइम निकाल लो यहां तक का, और फिर यहां से आगे का टाइम निकाल लो। दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट सोल्व करो, डायरेक्ट कहां से कहां तक, इनिशियल से लेकर फाइनल तक, क्योंकि हमें वेक्टर फॉर्म पता है किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इनटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इनटू टी स्क्वायर। अब डिस्प्लेसमेंट तो आपका इनिशियल से फाइनल तक ही देखा जाता है ना? हाँ सर, ये तो एटी है। अब नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूँ या ऊपर की नेगेटिव ले लेता हूँ, राइट? तो नीचे, वो पहले से डिसाइड कर लो, जब इक्वेशन सोल्व करने लगो ना तब डिसाइड कर लो कि कौन सी डायरेक्शन क्या लेनी है इस इक्वेशन के लिए। हाँ, इसी क्वेश्चन में कोई दूसरी इक्वेशन बनाएंगे लेट सपोज थोड़ी देर बाद, मान लेते हैं कि अपन ये इक्वेशन बना रहे हैं, इसके लिए आप कोई और डायरेक्शन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु एक इक्वेशन को सोल्व करते टाइम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात? हाँ सर, हाँ सर। तो मैंने इस इक्वेशन के लिए नीचे डायरेक्शन को पॉजिटिव ऊपर को नेगेटिव ले लिया, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर है, इनिशियल से फाइनल होता है। कई बच्चे बोले सर नीचे से ऊपर देख लो ना, फिर हाइट तो उतनी है, पर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल देखा जाता है, राइट? तो माइनस एटी लेंगे। यू की वैल्यू ऊपर की ओर है, ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है, तो माइनस टेन की।
सर लेकिन अगर हमने इनिशियल से फाइनल लिया तो 80 तो पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है ना। हां सर गलत लिख दिया, ये पॉजिटिव आना चाहिए। चलो साइन लगाता ही नहीं है यहां। एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो 10 पॉजिटिव आएगा सर। 10 तो d स्क्वायर कितना आएगा बताइए। कोई इसके फैक्टर तो नहीं बनेंगे ना। 8, 5, 40 पांच पे भी नहीं जा रहा, 8 पे भी नहीं जाएगा, 10 पे भी नहीं जाएगा, नहीं बनेंगे फैक्टर, नहीं बनेंगे ना। तो t की वैल्यू आएगी माइनस p, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर सकते हां, माइनस b प्लस रूट d 4 प्लस 160 डिवाइडेड बाय 2। सही बात है गलत बात? तो ये हां सर 1 माइनस रूट 41 और 1 प्लस रूट 41 कितना? 1 प्लस 1 प्लस रूट 41 और 1 माइनस रूट 41। तो 1 माइनस रूट 41 तो हो ही नहीं सकता ना क्योंकि वो तो नेगेटिव हो जाएगा। हाँ सर टाइम नेगेटिव नहीं होता ना तो पॉजिटिव नहीं हो सकता ना। जीरो से लेके आगे नेगेटिव थोड़ी पीछे थोड़ी चलेगा, टाइम तो आगे ही चलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगाया, केवल प्लस वाला ही कंसिडर करेंगे राइट। 1 माइनस रूट 41 इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। टाइम आ गया, स्पीड विद विच इट रीचेस टू ग्राउंड किस स्पीड से पहुंचेगा, तो इसमें डायरेक्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगा, क्योंकि v इज इक्वल टू u प्लस 80 लगाओगे ना तो फिर t के अंदर वही रूट वगैरह आएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। तो फाइनल वेलोसिटी अपने को निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, चलो माइनस है फिर भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। एक्सेलेरेशन नीचे की ओर है 10, डिस्टेंस नीचे की ओर है 80, कितना आएगा बेटा ये? 1600 प्लस 100 1700 1700 रूट 17 आया ना। हाँ सर। हाँ सर। इट्स एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस टू ग्राउंड, कितना टाइम लगा, कितना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 80। सही बात है गलत बात? एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 80 बाय 1 बाय 1 प्लस 140। सही बात है गलत बात? हाँ सर। Its distance covered when it reaches to ground. अब देखो, अब अपने को है ना ये दूरी निकालनी पड़ेगी distance के लिए। सही बात है गलत बात? हाँ सर। ये दूरी कितनी आएगी बताओ? सर 10 मीटर। Is equal to ut plus r. 90 मीटर हो। तो या फिर ऐसे कर लो v square is equal to u square plus 2s. हाँ सर वो सही है। क्योंकि इसके लिए तो final velocity zero है ना? और उधर 10 है तो 100 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 2 इनटू 10 इनटू s, s की वैल्यू 5 आ जाएगी बेटा। समझ में आ रही है बात? ऊपर जाने का 5 मीटर, नीचे आने का फिर से 5 मीटर, 10 मीटर, 10 आ गया प्लस 80 टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा ना? ट्रैवल। सही बात है गलत बात? हां सर। आंसर इज 90। समझ में आया भाई सभी को? सर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग ने 10 मीटर पर सेकंड ऊपर के डायरेक्शन में दिया था और एक्सेलरेशन जो था इसका वो था मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ। नीचे आने से पहले 1 सेकंड तक ऊपर जाएगा। हाँ। तो 1 सेकंड में तो 10 मीटर ऊपर चला जाना चाहिए। 10 मीटर कैसे चला जाएगा? 1 सेकंड तक ऊपर जाएगा थोड़ी है भाई मेरे दोस्त, वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी है, थोड़ी देर बाद 9 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर ऐसे करते 0। वो तो कांस्टेंट से चलता तब 1 सेकंड में 10 मीटर चला जाता ना। हां सर समझा। उससे कम ही चलेगा, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी कम हो जाएगी तो ओवरऑल 5 मीटर चलेगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा ओके समझा।
सर ये फोर्थ पार्ट वापस समझा ना, वो डिस्टेंस कवर। मैं डिस्टेंस कवर क्या होगा, पाथ लेंथ होगी ना। इसके आगे की लेंथ तो पता है अपने को, ये वाली तो, ये तो 80 है, ऊपर वाली तो निकालनी पड़ेगी ना। हाँ हाँ सर, ऊपर जाने की 5 निकाली अपने, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, ये 5 आया। कैसे? कि फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 100 है। सही बात है, गलत बात? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो ये 5 मीटर आया। तो 5 मीटर ऊपर गया तो 5 मीटर ही नीचे आया होगा, सही बात है गलत बात? तो टोटल 10 मीटर चला गया। हाँ सर, टोटल 10 मीटर चल लिया ऊपर जाके वापस आने में, और फिर 80 और चल लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 80 प्लस 10 90 होगी ना। अरे समझ में आया बेटा? समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर, आगे चलता हूँ। सर एक सेकंड, पीछे वाला पेज दिखाए ना। ओके सर, आगे चलूं। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। चलो इससे पहले एक चीज और करवा देता हूँ, है ना। चलो यही ठीक है, एक बार वो बाद में करवा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है। nth सेकंड जानते हो क्या होता है? दैट इज फ्रॉम सर t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे था। नहीं नहीं, n माइनस 1 से लेके n सेकंड, एक सेकंड है nth वाली, जैसे फर्स्ट सेकंड कौन सी होगी? t is equal to 0 to 0 से 1, 0 to 1, है ना, ये फर्स्ट सेकंड होगी। यस सर, 1 से 2 तक सेकंड होगी, सेकंड, थर्ड, फोर, इसी तरीके से nth क्या होगी? ये फोर्थ क्या है? 3 से 4 तक है, तो इसी तरीके से nth क्या होगी? तो nth होगा n माइनस 1 और n। इसके अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये निकालना है अपने। तो आपको गिवन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी u है और एक्सेलरेशन a है, समझ में आ रही है बात? तो इसको कैसे करेंगे? हम पहले n सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और फिर उसमें से n माइनस 1 तक का सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ में आ रही है बात? हाँ सर। n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? u n प्लस हाफ a n का स्क्वायर, सही बात है गलत बात? हाँ सर। और ये होगा u n माइनस 1 प्लस हाफ a माइनस a इनटू n माइनस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें टाइम लगा है n माइनस 1 तक का। अब nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा n सेकंड का माइनस n माइनस 1 सेकंड का, राइट? हाँ सर। तो इनको जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो ये आएगा u प्लस a by 2 into 2 n minus 1, ये आप सब्ट्रैक्ट करके देख लेना अगर, ठीक है ना? इसको खोल लेना पूरा, स्क्वायर खोल लेना, u को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, समझ में आ रही है बात? और फिर सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, समझ में आ रही है बेटा बात? तो यहाँ पे u क्या है? हाँ सर। अब कई बच्चे पता है क्या सोचते हैं, यहाँ पे u है यहाँ की वेलोसिटी,
भी सर यहाँ से मौसम शुरू हुआ ना यहाँ तक देखा अपन ने, तो यहाँ की यू है, यहाँ की यू नहीं है, यू शुरुआत वाली इक्वल टू 0 के हां, तो दिस इज इनिशियल वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0, समझ में आ रही है बात? हां सर, ये क्या लिखा है, एसएन प्लस हां एसएन माइनस एसएन माइनस 1 नहीं, उसके पहले एसएन एसएन था लिखा है, एंथ भाई पढ़ क्या रहे हैं, वही तो पढ़ रहे हैं, केवल कॉपी करने पे कंसंट्रेट मत करो, कॉपी तो बाद में देखे कर सकते हो पीडीएफ देख के, और ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब ए कांस्टेंट है, राइट? हाँ सर, हमने ये एसएन और एसएनएन एनथ माइनस वन के जो फॉर्मूले लगाए हैं वो ए कांस्टेंट वाले लगाए हैं, समझ में आ रही है बात? हाँ सर, तो ये nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में nth सेकंड पे, और फिर आगे मूविंग ऑब्जेक्ट से एक पढ़ना है, मूविंग ऑब्जेक्ट से कोई चीज को फेंका जाए, ठीक है ना, फिर लगभग अपना नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बेटा? ओके सर, सेकंड बाय एवरीवन, समझ में आया सभी को? हां सर, होमवर्क क्या था? हां सर, हां सर, होमवर्क एक्सरसाइज 3 मैथमेटिकल टूल कंप्लीट करनी है पूरा सर। हाँ पूरा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 थोड़े ही क्वेश्चन है इसमें, ज्यादा नहीं है। हाँ सर, ठीक है बेटा, ओके सर, ओके बाय सर, थैंक यू सर, बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, बाय, थैंक यू।